आप देख रहे हैं कर्मचारियों और सरकारी योजनाओं से जुड़ी खबरों का आपका अपना चैनल एम्प्लॉय खबर। दोस्तों एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है। यहाँ पर पिछले महीने यानी कि दिसंबर 7, 2019 को ईपीएस 95 पेंशन धारकों के द्वारा रामलीला मैदान पर एक बड़ा जोरदार प्रदर्शन रास्ता रोको आंदोलन किया गया था। उसके बाद से यहां पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों के ऊपर कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही थी और पेंशन धारकों के ये भी बड़े सवाल आ रहे थे कि आगे ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर क्या रणनीति यहाँ पर जो है बनाई जा रही थी। उसको लेकर यहाँ पर ईपीएस 95 नेशनल एजिटेशन कमेटी की तरफ से आज यहाँ पर श्रम मंत्रालय ईपीएफओ और सीबीटी मेंबर्स के नाम जो है एक प्रपत्र लिखा गया है, जैसे कि स्क्रीन पर प्रपत्र आप देख पा रहे होंगे। साथ ही इनको यहां पर जो है चेताया गया है कि आगे जो है ईपीएस 95 पेंशन धारक किस प्रकार से किस किस दिन और क्या क्या आंदोलन यहां पर करने वाले हैं, तो इन आंदोलनों की रूपरेखा भी तैयार करके यहां पर जो है प्रपत्र में बता दी गई है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के आगे किस तरह से किस तारीख को और क्या क्या प्रकार से यहाँ पर किस तरह से आंदोलन किए जाने हैं। तो इस जो है प्रपत्र में 3 पेजों का जो है प्रपत्र है और इस प्रपत्र में पूरे अभी तक का जो आंदोलन किए हैं उसके भी विवरण और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के आगे के विवरण और अपनी मांगों को भी यहाँ पर ईपीएस 95 नेशनल एजिटेशन कमेटी के द्वारा इन प्रपत्रों में बताया गया है। तो इन प्रपत्रों को पाने के लिए आप एम्प्लॉय खबर के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट और साथ ही यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फेसबुक ग्रुप का भी लिंक जो है दिया है, वहाँ से जो है आप इन प्रपत्रों की कॉपी पा सकते हैं। साथ ही जो है इसे जो है सरल भाषा में एम्प्लॉय खबर के www.employkhabar.com पर जो है सरल भाषा में यहाँ पर जो है लिखा है। हिंदी में जानने के लिए आप इस जो है employkhabar.com पर विजिट करके इसे आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए जान लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि क्या बातें यहाँ पर जो की गई है। तो ईपीएस 95 नेशनल एजिटेशन कमेटी NEC के द्वारा पेंशन धारकों की मांगों को पूर्ण कराने के लिए तथा पेंशनर्स की अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर श्रम मंत्रालय को एक जो है प्रपत्र लिखा गया है। तो इसके बारे में यहां पर जो है सूचना दी गई है कि किस तरह से जो है आंदोलन आगे होंगे। इससे पहले आपको बता दें कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के द्वारा 7500 प्लस डीए समेत अपने अन्य 4 सूत्रीय मांगों को लेकर यहां पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के द्वारा बुल्ढाना महाराष्ट्र में पिछले 882 दिनों से यहां पर पेंशन धारक अपनी आमरण अनशन भूख हड़ताल यहां पर कर रहे हैं, चैन अगर स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ईपीएफओ और सरकार की तरफ से इनकी मांगों को लेकर किसी भी तरह का कोई ठोस निर्णय यहाँ पर नहीं लिया गया है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टेड ईपीएफओ के नाम यहाँ पर जो एक प्रपत्र लिखा गया है, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की डिमांड आंदोलन के बारे में भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से अपनी मांगों को लेकर जो 7 दिसंबर 2019 को रामलीला मैदान पर यहाँ पर जब प्रदर्शन किया गया था तभी यहाँ पर जो है ईपीएस 95 पेंशनर्स की ओर से यह घोषणा कर दी गई थी कि यदि 25 जनवरी 2020 तक उनकी मांगों पर कोई विचार या ठोस निर्णय नहीं आता है तो 26 जनवरी से पूरे देश में व्यापक आंदोलन होंगे, जिसके बारे में पिछले एक दो वीडियो में भी हमने आपको यहां पर सूचना दी थी। तो यहां पर किस प्रकार के आंदोलन यहां पर किए जाने हैं आगे उनके बारे में यहां पर जो है सूचना दी गई है। इसमें जो है पूरा टाइम टेबल शेड्यूल यहाँ पर बताया गया है कि किन किन लोगों को जो है इसकी जिम्मेदारी है और किस प्रकार से आंदोलन होंगे, ये भी यहाँ पर इस प्रपत्र में बताया गया है। फिर से एक बार बता दें कि इन प्रपत्रों की कॉपी के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया है, आप वहाँ से जाके प्रपत्र पा सकते हैं। साथ ही ग्रुप को ज्वाइन भी कर लीजिएगा तो समय समय पर जो ऐसे डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो जो है हम यहाँ पर शेयर करते हैं, तो उनसे भी आपको जो है ये डॉक्यूमेंट आपके पास सीधे पहुँच जाया करेंगे। तो ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के द्वारा यहाँ पर 26 जनवरी से पहले और 26 जनवरी के बाद देश में जिस तरह से आंदोलन होने हैं उसमें प्रमुख है एक यहाँ पर 10 जनवरी 2020 से 23 जनवरी 2020 तक जिला अधिकारी कार्यालय के सामने जिला अधिकारी कार्यालय को यहाँ पर जो है ज्ञापन देने जाने हैं अपनी मांग संबंधित। इसके बाद में 26 जनवरी 2020 को सुबह 8 बजे ध्वजारोहण कार्यक्रम में यहाँ पर सभी पेंशनधारक सम्मिलित होंगे। ध्वजारोहण कार्यक्रम में भाग लेकर यहाँ पर जिले कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। ध्वजारोहण कार्यक्रम में यहाँ पर सम्मिलित होने के बाद सुबह 11 बजे काली पट्टी लगाकर शंख और घंटी बजाते हुए जिला अधिकारी कार्यालय को यहाँ पर ज्ञापन सौंपा जाएगा और इसके बाद में 27-1-2020 से 31-1-2020 तक विभिन्न प्रकार के धरना आंदोलन और विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। ये धरना आंदोलन और विरोध प्रदर्शन किस प्रकार से किए जाने हैं इसकी बात अभी जो है समिति की तरफ से नहीं बताई गई है। जैसे ही कोई नया लेटेस्ट अपडेट आता है आपको जो है हम एम्प्लॉय खबर के यूट्यूब चैनल,
फेसबुक ट्विटर अकाउंट और एम्प्लॉय खबर फेसबुक ग्रुप में जरूर सूचित कर देंगे। तो इनमें से कहीं ना कहीं आप जो है संपर्क बनाए रखिएगा ताकि आपका जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है वो आपको पता चल सके। फिलहाल आप तक जो है यही सूचना यही जानकारी पहुँचानी थी कि EPS 95 पेंशन धारकों के आगे के आंदोलन किस प्रकार से कब और कैसे होने हैं। तो ये जानकारी जो है आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको दी। साथ ही आपने जो है एम्प्लॉय खबर के फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम अकाउंट को या फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप ज़रूर जो है उसे ज्वाइन कर लीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि जब भी नया जो लेटेस्ट अपडेट आए वो आपको समय पर ज़रूर मिल जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी जानकारी के साथ। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने सभी साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।